Okay, Mr. Sobhik Mahata. So you are here for mock interview of Rides Limited, right? Yes, sir. So Sobhik, first of all, you tell us about you. Thank you, sir. Thanks for giving me the chance. जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम सौभिक है और मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट किया हूँ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता से। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू किया। मुझे मौका मिला एज ए सिविल इंजीनियर काम करने के लिए ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड में। वहाँ पे मुझे एक ऑयल इंडिया का 4 पंपिंग स्टेशन का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट में मुझे भेजा गया था। उनमें से 2 पंपिंग स्टेशन में मैं सिविल का और स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन का पार्ट मैंने किया हुआ है और हम लोग सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी वो प्रोजेक्ट रनिंग फेज में है और प्रोजेक्ट के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने सीनियर से और अपने फेलो मेंबर से। दैट्स ऑल अबाउट मी सर। कब आपने बीटेक कंप्लीट किया था? 2018 में। 2018। ओके, सो ये कंपनी में कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मेरा 2 ईयर एंड 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस। ओके, सो फॉर रिमेनिंग ड्यूरेशन? सर एक्चुअली जो जॉब था मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब था। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद मुझे और फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया उस कंपनी में काम करने के लिए, इसीलिए उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जॉब के लिए। ओके, तो कब का मतलब एंड अप कब हुआ? 2022 में, 22 का मार्च में मेरा एंड हुआ। 22 के एंड में। ओके, तो राइड्स में जाने का प्लान कब बनाया आपने? एक्चुअली राइड्स में जाने का मेरा प्लान था जब से राइड्स का मैं टीवी में देखता था कि राइड्स बहुत अच्छा काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बोगीबिल रेलकम रोड ब्रिज राइड्स ने बनाया। तब से ही मैं मतलब राइड्स में जाने का मेरा इच्छा था। आप मुझे बताइए कोई भी 6 सेक्टर्स बताइए जिसमें राइड्स काम कर रहा है, डिफरेंट 6 सेक्टर्स के नाम बताइए। ओके सर, जैसे राइड्स कंसल्टिंग सेक्टर में काम करता है, ट्रांकी कंस्ट्रक्शन में काम करता है, फिर उसके बाद लोकोमोटिव जो रोलिंग स्टॉक का डिजाइन करता है उसका एक्सपोर्ट करता है, वन एंड ओनली आर्म है इंडियन रेलवे का। फिर सर राइड्स आईटी सेक्टर में भी काम करता है और प्रोक्योरमेंट में हेल्प करता है अभी बहुत सारे। तो आपका जो एक्सपीरियंस है करंट जॉब का, वो किस सेक्टर के लिए ज्यादा सुटेबल आपको लगता है, आपने चेक किया है ये? ये सर कंस्ट्रक्शन सुपरविजन के लिए मेरा प्रोफाइल सुटेबल है। ओके, सो बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस वाले सेक्टर में आप कंफर्टेबल काम कर सकते हैं, राइट? एक्चुअली सर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस बिल्डिंग में नहीं रहा था, तो मैं आरसीसी और बहुत सारे जो सेवरल अदर थिंग्स होता है जैसे लेवलिंग हो गया ये सब काम में मैं कंफर्टेबल हूँ। तो कोई भी मतलब सिविल इंजीनियर रिलेटेड कोई भी काम देने से मैं कर सकता हूँ। इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो अभी तक कंप्लीट किए हैं उनका आपने एनालिसिस किया है, उनके बारे में पढ़ा है, क्या क्या प्रोजेक्ट राइट्स ने अभी तक माइलस्टोन प्रोजेक्ट जो किए हैं? यस सर, यस सर, मैंने स्टडी किए। जैसे कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा अपने लिए? मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जो आसाम डिब्रूगढ़ में जो बोगीबिल रेल का रोड ब्रिज बनाया वो सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो सर अभी तक इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है रेलकम रोड ब्रिज और इंडिया का कंट्री का फर्स्ट ऐसा ब्रिज है जिसमें कि कुछ जॉइंट नहीं यूज हुआ है, फुल वेल्डेड ब्रिज है। तो वो मेरे को ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, जब सबसे अच्छा लगा उस प्रोजेक्ट। ड्यूरिंग टू आपने जो 2 से 3 साल वर्क किया है, कौन कौन से की पॉइंट्स आपको अपनी पूरी इस यात्रा में नजर आए आपके अंदर जिनको आप मानते हो कि दीज आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट? जैसे कि मैं सर एक टीम
प्ले अच्छे से कर सकता हूँ, मैं एक टीम में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ और टीम को मैं लीड करता हूँ, मतलब लीड कर सकता हूँ अच्छे से, वो मेरा एक पॉइंट है। और मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाता हूँ, मतलब मुझे बहुत ही लोगों से मिलना पसंद है, नए नए लोगों से मिलना, वो एक है। और सर है मेरे अंदर एडेप्टेबिलिटी है, जो कि कोई भी काम मैं बहुत कम ही कहीं कम टाइम में मैं सीख लेता हूँ, एडप्ट कर लेता हूँ और उसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ, ये सर और पॉइंट। कहाँ कहाँ पे आपको चैलेंजेस आए जहाँ पे आपको लगा कि इस सेक्टर में या इस इशू पे आप वीक हैं थोड़े? जैसे कि सर मुझे पहले मतलब मेरा जो मतलब काम करने के दौरान कहाँ कहाँ मुझे वीकनेस आया, ये सर पूछ रहे क्या? जी अच्छा वैसा सर मतलब जैसे कि पहले मुझे बहुत दिक्कत आता था कि जो बहुत सारे वहाँ पे हम लोग का एक कॉम्पोजिट जॉब था, मैं सिविल का पार्ट देखता था, दूसरे इंजीनियर्स जो थे वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का था। उन लोगों से मुझे मतलब कोई भी जगह पे अगर सिविल का कुछ कंस्ट्रक्शन होने मतलब होना होने को जा रहा है, तो उस टाइम में और बाकी अदर मेंबर को इकट्ठा करना और उसके साथ पूरा कम्युनिकेट करके उसमें कुछ क्या मतलब कुछ इंटरेक्शन आएगा क्या नहीं, मतलब उन लोगों का कुछ प्रोजेक्ट का कुछ पाइप या वायर वगैरह जा रहा है कि नहीं, ये मुझे बहुत पहले तकलीफ होता था, फिर उसको भी मैं ओवरकम कर लिया। ये नहीं, सर आपने तो बताया कि आप तो टीम वर्क में और लोगों से घुल मिलने में विश्वास तो उसमें कंफर्टेबल हो आप, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत आती थी आपको? नहीं नहीं सर, टीम वर्क में मुझे कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पे मतलब कोई अगर किसी अगर पर्टिकुलर पोर्शन में अगर कुछ सिविल का स्ट्रक्चर बनने को जा रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, या कुछ केबल अगर कट जाता है, मतलब केबल अंडरग्राउंड केबल है कि नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आता था पहले कि तो मतलब अभी किसी भी बेसिक जगह। इलेक्ट्रिकल की कुछ बेसिक चीजें आपको पता है, जैसे सिविल और इलेक्ट्रिकल जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं, किसी भी यस सर, बिल्डिंग में मतलब सिविल की बिल्डिंग बनेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस भी होंगे वहां पे, तो कुछ आपको बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है सर, मतलब उतना ज्यादा आपने तो है कभी नहीं। ट्राई नहीं किया कि थोड़ा उसको भी एक्सप्लोर मतलब थोड़ा लर्न किया जाए, हेल्प होगा समझने में? यस सर, पहले तो कुछ ही समझ में नहीं आता था, फिर थोड़ा थोड़ा करके मतलब जितना भी किया हूँ मतलब थोड़ा ही मालूम हुआ है, पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था इलेक्ट्रिकल के अच्छा, बारे में। अपना ऑब्जेक्टिव बताइए आगे, क्या एम है आपका आगे अब लाइफ में? लाइफ में सर एम है कि मैं जिसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ज्वाइन मतलब अगर काम करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक एसेट बनना चाहता हूँ, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, और पूरा थ्रू आउट मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहता हूँ, और मुझे भी एक मतलब खुद को भी एक सीनियर पोजीशन में मैं देखना चाहता हूँ। जतिन सर, ओके, यस सोविक, यस सर, सो कल मैंने तुम्हें सर्वे का स्नैप तुम्हारा लिया था मैंने, तो यस सर, सर्वे में पढ़ के आया तुम? अच्छा, यस सर, लेवलिंग मैंने पढ़ा। सर्वे के अलावा कौन से और सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम बेटर हो? बेटर सर आरसीसी है और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन है। ओके, आरसीसी इन बिल्डिंग मेटल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इस पैसिव ग्रेविटी सीमेंट की कितनी होती है? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 3.15 के करीब होता है, 3 to 3.15, 3.12।
3.12, yes. Are you sure? Yes. Okay. Workability क्या होती है? Workability का मतलब है सर, या कॉन्क्रीट को हम लोग जब प्लेस करते हैं तब वो कितना अच्छे तरीके से प्लेस होता है और उसका शेप लेता है, उसको हम लोग वर्केबिलिटी बोलते हैं। प्लेसेबिलिटी का मतलब प्लेसेबिलिटी को भी से रिलेट कर सकते अच्छा अच्छा हाइड्रोलिक लाइन ये क्या होता है? हाइड्रोलिक लाइन कहाँ यूज करते हैं इसको? हैं। हाइड्रोलिक लाइन को सर हम लोग अंडर वाटर स्ट्रक्चर में यूज कर मतलब करते हैं, या जहाँ पे बहुत ही मॉइस्ट कंडीशन जहाँ पे है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके कंक्रीट की जब ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल कॉन्क्रीट इज ए ब्रिटल मेटेरियल। ब्रिटल मटेरियल व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटल मटेरियल? ब्रिटल मटेरियल का प्रॉपर्टीज ये है सर कि जब ब्रिटल मटेरियल को स्ट्रेन दिया जाता है तब उसका कोई स्पेसिफिक यील्ड यील्ड पॉइंट नहीं डिफाइन हो मतलब नहीं मिलता हम लोगों को। वो यील्ड पॉइंट क्रॉस करने के बाद सडनली ब्रेक हो जाता है, तो उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। ओके ब्रिटल मटेरियल्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? ब्रिटल मटेरियल का सर कंप्रेसिव और शियर दोनों ही अच्छा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल बहुत ही वीक है टेंसाइल स्ट्रेंथ। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सर मतलब बेसिकली हम लोग 150 mm 150 mm का क्यूब लेते हैं, तो उसका जो उसको कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम लोग डालते हैं, फिर उसका जो लोड आते हैं। ठीक जब तुम कंक्रीट की टेस्टिंग करते हो तुम्हारे पास दो स्पेसिमन है, एक है क्यूबिकल स्पेसिमन दूसरा है सिलेंड्रिकल स्पेसिमन, यस। तो किस केस में तुम्हें रिजल्ट्स एक्चुअल से ज्यादा मिलते हैं? क्यूबिकल स्पेसिमन में मुझे एक्चुअल से ज्यादा मिलता है। तो सिलेंडर में एक्चुअल से कम मिलेंगे? नहीं एक्चुअल के नजदीक मिले मतलब मिलेगा, मतलब एक्चुअल से बहुत ही नजदीक मिलेगा। रीजन क्या है इसमें? रीजन सर उसको प्लेटन इफेक्ट बोलते हैं कि कोई भी अगर जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में हम लोग जब डालते हैं सीमेंट क्यूब को, तब उसका हाइट और शॉर्टर होने के कारण उसका जो जो प्लेट के साथ उसका जो अटैचमेंट है उसमें एक स्ट्रेस डेवलप एक फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो इसी कारण उस पोर्शन में एक कंप्रेसिव जोन क्रिएट होता है, तो मतलब वहां से ब्रेक नहीं होता हो पाता है, वो उसका रेजिस्टेंस मिलता है, तो इसीलिए। मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूँ, तुम्हारे पास एक बीम है सिंपली स्पोलेड बीम, ओके, और पॉइंट लोड लगा हुआ सेंटर पे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, डोंट टेक पॉइंट लोड, इट्स अ यूडीएल सिंपली स्पोलेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, पॉइंट लोड नहीं है, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने बनाया, तो मैंने एक सेक्शन कंसीडर किया एल बाई टू पे ऑन द एट द सेंटर पॉइंट डी बाई टू, तो टेल मी द स्ट्रेसेस एट दैट पॉइंट, कौन कौन से स्ट्रेसेस लगेंगे स्ट्रेस एलिमेंट पे? अच्छा सर पहला केस मैं इलाबोरेट करना चाहूंगा। पहला केस में सर बीच बीच का जो पॉइंट हम लोग कंसिडर किए है उसमें शियर आएगा मतलब शियर स्ट्रेस आएगा, और मतलब शियर स्ट्रेस वहां पे मैक्सिमम रहेगा एक्चुअली, और
बेंडिंग वहां पे नहीं रहेगा, बेंडिंग जीरो रहेगा. हाउ कैन यू से दैट शियर स्ट्रेस मैक्सिमम रहेगा? क्योंकि सर जहां पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बीच का जो पॉइंट है वहां पे सर न्यूट्रल सीआर एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस जो कंसीडर कर रहे हैं वहां पे रेक्टेंगुलर बीम बीम के लिए वहां पे मैक्सिमम आता है सीआर स्ट्रेस उस पोर्शन में बता मैक्सिमम आता फॉर्मूला. है. फॉर्मूला सर है वन मतलब 3/2 टाउ एवरेज, और ये व्हाट इज आता टाउ है एवरेज? एवरेज है सर भी ए वाई बार बाय आई बी. टाउ एवरेज. यस आर यू श्योर टाउ एवरेज इज दिस वी ए वाई बार बाय आई बी? एक्चुअली सर वो टाउ मैक्सिमम मैक्सिमम ही है मतलब Yeah, the tau मैक्स maximum but equal to 1.5 or 3/2 times of tau average. What is this tau average? How will you calculate? टाउ एवरेज को सर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम सीआर फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. Shear force by cross section area, V by area. Area यस rectangular यस section, you have area B into D. यस Okay, what is the shear force at that section? सीआर फोर्स सीआर फोर्स सर एक्चुअली उस पोर्शन में नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ एक मतलब उस पॉइंट पे सीआर चेंज हो रहा है मतलब उस पॉइंट वो पॉइंट से सीआर पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव में आ रहा है तो उसमें जीरो आएगा न्यूट्रल पॉइंट. शेयर फोर्स इज जीरो देन शेयर स्ट्रेस कैसे लगा दे रहे हो? वो भी मैक्सिमम लगा रहे हो. एक्चुअली सर दोनों का डायरेक्शन अलग है. एक्चुअली जो सीआर फोर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सीआर फोर्स वर्टिकली उस बीम में लग रहा है, और सीआर स्ट्रेस सर डेवलप होता है प्लेन के मतलब अलोंग द प्लेन डेवलप होता है सीआर स्ट्रेस. तो कोई भी बीम अगर बेंड करेगा तो उसका आपस का प्लेन में उसमें सीआर स्ट्रेस डेवलप होगा, तो इसीलिए But if the shear force is zero at the section, तो shear stress simply zero. Shear stress zero होना चाहिए वहां पे. अगर shear force ही नहीं है तो shear stress कैसे आएगा? एक्चुअली ओके, सो लेट मी गिव यू फीडबैक. सो वी सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ो. अभी तो चलो टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन जितना पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करो. राइट्स के इंटरव्यू आप एक या दो लाइन में खत्म नहीं कर सकते. आपको जब एक्सप्लेनेशन देनी है तो फेस टू फेस बात करनी है और एक्सप्लेनेशन देनी है. तुम थोड़ा अगर गलत बोल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि गलत बोल रहे हो, टेक योर टाइम. ठीक है, पूछ लो उनसे. सर 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, 10 सेकंड या 20 सेकंड प्लेट मीटिंग. तो टाइम पहले आ सकते, ठीक है, टाइम पहले पूछ लिया करो. उसके बाद जब जैसे मैंने तुमसे तुमसे पूछा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट, दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या है, आपने मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट सोलिड्स बताया है. मैंने तुमसे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी थी, दैट कम्स आउट टू बी 1440. क्या रेंज होती है 1440 से? यू कैन से कि 1.4 to 1.5 इस रेंज के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट क्या आती है. तो जब भी आप अपना आंसर देते हो तो पूरा एग्जैक्टली एब्सोल्यूट आंसर होना चाहिए. सर आई एम सर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज दिस 1.4 to 1.5, बट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट सॉलिड्स इज 3.15 एज यू सेड. ओके, आफ्टर दैट आई आस्क्ड यू द वर्केबिलिटी. दिस वर्केबिलिटी इज सिंपली यू कैन से दैट द वर्किंग एबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, कितनी ईजिली हम कॉन्क्रीट से काम कर सकते हैं. और बेसिकली सर काम से मतलब यहाँ पे है कि हम कॉन्क्रीट से को मिक्स कर दे रहे हैं इजिली, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं इजिली,
विदाउट एनी सेग्रीगेशन कॉन्क्रीट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कॉन्क्रीट को इजिली कॉम्पैक्ट भी कर दे रहे हैं, तो जितने भी प्रोसेस हम कॉन्क्रीट से करने वाले ड्यूरिंग द कास्टिंग, तो सारे काम हम इजिली कर पा रहे हैं. तो जितना इजिली हम काम कर पाएंगे कॉन्क्रीट विल बी मोर वर्केबल. ठीक है. और उसके बाद आई आस्क्ड यू अबाउट दिस ब्रिटल मेटेरियल. ब्रिटल मेटेरियल सिंपली यू कैन से ब्रिटल मेटेरियल दोज मेटेरियल विच सडनली फ्रैक्चर्स विदाउट एनी इंडिकेशन. एज यू सेड, तुमने बिल्कुल सही बोले, नो प्रॉब्लम इन दिस केस. विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ फील्डिंग दे सडनली फ्रैक्चर्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड. ओके. एंड लास्ट में जब तुमको शेयर स्ट्रेस के बारे में बताया, इफ द शेयर फोर्स इज जीरो तो शेयर स्ट्रेस भी जीरो होगा उस सेक्शन के ऊपर. Since you are considering the point at the neutral fiber, since bending stress is also zero, stress element will be the neutral. There will be no stress in that point. If you are taking at same section neutral, same section at the D by 2, L by 2, section is L by 2, and you are taking a stress element at any depth, not at the neutral axis. Only bending stresses will be there, no shear stress will be there, because shear force diagram tells us that you shear force at that point at that section is zero. यस सर, वो थोड़ा मतलब ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बेटर कर सकते हो, चीजों को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो. एक्सप्लेन कर रहे हो, नो डाउट इन दिस, एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो, समझ भी आ रहा है. तो परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन इतना समझ आ रहा है जितना तुम बता रहे हो. यू हैव अ नॉलेज, नो डाउट इन दिस केस, बट थोड़ा सा और तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करो चीजों को अच्छे से. ठीक है. ओके, थैंक यू सर, ओवर टू यू. सोविक. यस सर. एक स्टेट है अपने वेस्ट बंगाल के पास में, त्रिपुरा. यस सर. किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से कंट्रीज के साथ बता सकते हो? यस सर, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और मेनली सर बांग्लादेश के साथ ही, मतलब अगर दूसरा कंट्री अगर बोलेंगे तो बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करते हैं त्रिपुरा. और मणिपुर? मणिपुर तो सर हम लोग का कंट्री का ही पार्ट है, तो इसीलिए मैंने मणिपुर में, मतलब मणिपुर के साथ भी करता है, लेकिन मणिपुर तो हम लोग का कंट्री का ही पार्ट है. मणिपुर किस कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? मणिपुर सर म्यांमार के साथ करता है. और कौन कौन से स्टेट्स के साथ शेयर करता है अपनी बाउंड्री? मणिपुर भी सर त्रिपुरा के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है. तो आप क्या करना है, देखो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो. उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या काम आपने किया वहां पे, तो उसके अंदर भी जा सकते हैं डेप्थ में भी. वो जो भी चीजें आपने लर्न की हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट था उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वहां पर अच्छे खासे. जब मैंने पूछा चैलेंजेस क्या आए, तो उसमें थोड़ा तुम कंफ्यूज हुए, नर्वस हुए, तो सोच लो पहले से कि क्या आप बताओगे कि कुछ चैलेंजेस, इंटरेस्टिंग चैलेंजेस जो आपने फेस किए उस पूरी दौरान, आपको क्या दिक्कतें आई उनको नोट कर लो. एक दो दिक्कत बताना कि ये मतलब मेरे को फेस किया मैंने, ठीक है ना, और बाद में मैंने इसमें हार्ड वर्क करके समझ के चीजों को मैंने अच्छे तरीके से लर्न किया, ठीक है. और उसके अलावा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, राइट, ये पूछ सकते हैं. तो अभी चूंकि जॉब में तो होने, तो जॉब चाहिए आपको मेनली, तो एक अच्छी और अच्छी कंपनी है सिविल इंजीनियरिंग की, राइट्स, जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और मतलब इतना अच्छा एक्सपोजर मतलब शायद ही कहीं मिल पाए, तो इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं उसको, और उसी में ग्रो करना चाहता हूँ आगे, ठीक है. और लेकिन ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसको देख लो एक बार, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाउंड्री शेयरिंग आसपास के एरियाज में ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल से आगे पड़ता है तो वहां के बारे में कुछ पूछ लेंगे, कोई ना कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है. जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े,
उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, कोई रेलवे नेटवर्क, रेलवे के बारे में, ब्रिज के बारे में, आपको अवेयरनेस कैसी है, तो उस पर भी नजर दौड़ा लो थोड़ी सी। ठीक है, हाँ, बाकी बोलने का तरीका वो सब तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक, ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू।